दोस्तों, एक दिलचस्प कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी है दो महिलाओं की। एक महिला का नाम है परीक्षा कुमारी और दूसरी महिला का नाम है प्रतिष्ठा कुमारी। यानी परीक्षा कुमारी और प्रतिष्ठा कुमारी। परीक्षा कुमारी की आदत है कि वो अपने घर गृहस्थी में जितनी भी सामानों को खरीदती हैं उसकी खूब पड़ताल करती हैं, परीक्षा करती हैं, तोल मोल करती हैं। सामानों में वो ये कोशिश करती हैं कि हर सामान कम से कम कीमत पे उन्हें उपलब्ध हो जाए। उन्हें ब्रांड से और क्वालिटी से ज़्यादा अहमियत नहीं रहती। वह लाइफबॉय साबुन या रेक्सोना साबुन से स्नान कर लेती हैं। वह पाउच वाले शैम्पू जो सस्ते में मिल जाएं उससे स्नान कर लेती हैं। वह चावल दाल मसाले भी चार जगह जाकर पता करती हैं और जहाँ सबसे सस्ती उन्हें लगती है उसी को वो चुनाव करती हैं। कपड़े वाले के यहाँ गए तो किफ़ायत में कपड़े उठा लिए। यानी उनके हर ख़रीदारी में किफ़ायतीपन, मोल जोल शामिल है और शायद यह उनके नाम से ही परिचित होता है कि उनका नाम है परीक्षा कुमारी। यानी हर चीज़ में परीक्षा करना और सस्ते वाला चीज़ उठा लेना, यह उनकी आदत है। दोस्तों, इस तरीके से वो अपने घर गृहस्थी में लगभग 3,000 रुपये में सामान, काम चलाऊ सामान उठा लिया करती हैं और इस तरह वो महीने में लगभग 2,000 रुपये की बचत कर लेती हैं। और 2,000 रुपये को वो किसी बैंक या कहीं भी जमा करती जाती हैं, जहाँ से उन्हें 7 से 8% या 9% इंटरेस्ट मिलता है। तो ये था दोस्तों परीक्षा कुमारी का एक सोच। दोस्तों, गौर करने की बात क्या है कि परीक्षा कुमारी हर महीने काम चलाऊ सामान, सस्ते सामान का चुनाव करती हैं, हर महीने 2,000 रुपये की बचत करती हैं, यानी एक साल में 12 दुनी 24,000 रुपये की बचत करती हैं और ये प्रक्रिया सतत 10 सालों से उनकी चल रही है। आप ये कह सकते हैं कि लगभग 10 साल हो चुके हैं, 5, 7 साल, 8 साल से ज़्यादा, करीब 10 साल हो चुके हैं। अगर इस गणित को देखा जाए तो 2,000 रुपये प्रत्येक महीने बचत गुने 12 महीना, एक साल में 24,000 रुपये सालाना बचत, और 10 सालों में 24,000 रुपये अगर वो हर साल बचा लेती हैं मान के चला जाए, तो 24 गुने 10 यानी 2,40,000 रुपये उन्होंने कुल पैसे इस स्वभाव के कारण, इस समझदारी के कारण उन्होंने बचाया। दोस्तों, हम आप में से लगभग 99% लोग शायद परीक्षा कुमारी के स्वभाव से मिलते जुलते हैं। आप और हम जैसे सैकड़ों लोग बेहतरीन सामान और अधिक कीमत देने से कतराते हैं और काम चलाओ, जितने में काम चल जाए उसी में खुश रहने वाली प्रकृति के होते हैं। दोस्तों, आज परीक्षा कुमारी का घर जाकर देखा जाए तो आपको मालूम चलेगा कि परीक्षा कुमारी काफ़ी मुफलिसी में, काफ़ी दरिद्रता में, काफ़ी परेशानी में अपनी गृहस्थी चला रही हैं। हालांकि वो पैसे बचा रही हैं और इससे उन्हें कुछ इंटरेस्ट आया या आएगा। उन्होंने लगभग 2,40,000 रुपये बचाए और हार्डली इसमें 1 लाख रुपये का उन्हें कुल मुनाफा मिल सकता है विभिन्न जगहों पर निवेश करने के कारण। यानी वो लगभग 3 लाख रुपये 10 सालों में उन्होंने इस तरीके से बूंद बूंद करके बचाया। लेकिन उनकी घर गृहस्थी में तंगी है, परेशानी है, अभाव है,
रहन सहन खराब है, सुख सुविधाओं का अभाव है, घर टूटा फूटा है, पुराने फर्नीचर हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई किसी प्रकार हो रही है, दुकानदारों के यहाँ उधारी चलती है और उनके पति परेशान हैं। पूरी एड़ी चोटी लगाने के बाद भी उनके पति की कमाई लमसम 10% पर मंथ बढ़ते बढ़ते थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है पहले के तुलना में, लेकिन महंगाई इस कदर बढ़ी कि खर्च और कर्ज बढ़ता गया, आमदनी बहुत स्लो गति से बढ़ी। तो ये था दोस्तों प्रतीक परीक्षा कुमारी का की कहानी। अब आइए दूसरी बहन प्रतिष्ठा कुमारी की बात मैं बताता हूँ। प्रतिष्ठा कुमारी, जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, प्रतिष्ठा यानी इज्जत, इन्हें इज्जत प्यारी थी। ये हर चीज़ ब्रांडेड खरीदती थी, ये मोलजोल नहीं करती थी, ये 10 रुपए में भी काम चला सकती थी, लेकिन ब्रांडेड की वजह से इन्हें 15 से 20 रुपए उन चीज़ों में खर्च करना पड़ता था। और इस प्रकार ये अपनी उस बहन के अनुरूप ना चलकर लगभग 3 लाख रुपए मार्केट में ज़्यादा खर्च की उन्हीं तरह की सुविधाओं को लेने के लिए। दोस्तों मैं जिक्र करना चाहूँगा ये सुविधाएं क्या थी और ये खर्च किन चीज़ों पे थे। दोस्तों ये जो खर्च मैंने 3000 रुपए की बात की, ये खर्च थे हर परिवार में होने वाले गृहस्थी के वो सामान, साबुन, पेस्ट, शैम्पू, चावल, दाल, मसाले, आटे, अचार, सॉस, नमकीन, बिस्किट, तेल, घी इत्यादि इत्यादि, साथ ही साथ कपड़े, फ़ोन, मोबाइल, टीवी इत्यादि, बैग, पर्स, ज्वेलरीज इत्यादि, साड़ियाँ, रेडीमेड कपड़े इत्यादि, यानी ये तमाम चीज़ें जो एक परिवार की के किसी भी फ्लैट में देखी जा सकती हैं, इन चीज़ों पर होने वाला मैंने एक मासिक और सालाना खर्च का ब्यौरा यहाँ पर जिक्र किया है। अब प्रतिष्ठा कुमारी ब्रांडेड सामानों को यूज़ करती हैं, इस तरह जो काम परीक्षा कुमारी 3000 रुपए में निपटा लेती थी, उन्हीं चीज़ों पर प्रतिष्ठा कुमारी के 5000 रुपए खर्च होते हैं। दोस्तों दिल थाम कर समझने की बात आ रही है, जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे। प्रतिष्ठा कुमारी जिसने हर चीज़ महंगी जानबूझकर होशो हवास में 10 की जगह 15 रुपए देकर खरीदे, 15 की जगह 35 रुपए देकर खरीदे, वो हर चीज़ ब्रांडेड खरीदती थी और जानबूझकर महंगी चीज़ें खरीदती थी, आज उनके इस स्वभाव का कमाल ये है कि हर महीने उनके घर 1.5 से 2 लाख रुपए प्रत्येक महीने उनकी आमदनी आ रही है। बेशक उन्होंने लगभग 2.5-3 लाख रुपए अधिक खर्च किए इन 10 सालों में, लेकिन लगभग 1.5-2 लाख-2.5 लाख रुपए अब हर महीने उनकी आमदनी हो रही है। दोस्तों सोचने की बात है, परीक्षा कुमारी ने 10 साल में 2.5 से 3 लाख रुपए बचाए और उनका जीवन नरक की तरह गुजर रहा है, परेशानी में गुजर रहा है, और प्रतिष्ठा कुमारी ने हर वर्ष महंगे सामान जानबूझकर अधिक कीमत अदा करके एक खास कंपनी का खरीदा और आज उनके घर 2.5 से 3 लाख रुपए प्रत्येक महीने आ रहे हैं। उनके घर में सुख सुविधाएं हैं, ऐश्वर्य है,
उनका जीवन स्तर बेहतरीन है। वह देश विदेश घूमती हैं, खर्च करने की कोई परवाह नहीं। शुरुआत में चाहे जैसे भी उन्होंने ये खर्च उठाया, लेकिन उन्हें ये बताया गया था कि अगर वो 5-10 साल इस स्वभाव से उस कंपनी से सामान लेंगी तो उसका सुखद परिणाम होगा। और प्रतिष्ठा कुमारी ने इन बातों पर यकीन किया और वो इस कंपनी से सामान लेती चली गईं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि वह संस्था, वह कंपनी कौन थी? दोस्तों, वह संस्था और वह कंपनी है भारत की एक बेहतरीन वर्ल्ड फेमस कंपनी वेस्टीज। जी हाँ, वेस्टीज ही वह कंपनी है जहाँ प्रतिष्ठा कुमारी पिछले 10 सालों से तथाकथित अधिक दाम देकर सामानों को खरीदती आ रही हैं। और आज इस तरह की प्रतिष्ठा कुमारियों की संख्या 100 नहीं हजारों में है। जी हाँ, वेस्टीज में आज हजारों ऐसे लोग हैं जो मार्केट में सस्ती चीज़ होने के बावजूद वेस्टीज से अधिक कीमत देकर, तथाकथित तुलनात्मक रूप में अधिक कीमत देकर सामान खरीदते हैं और इस सूझबूझ के कारण उनके घर में हजारों नहीं लाखों रुपए की इनकम आ रही है। दोस्तों, वेस्टीज में लाख रुपया और उससे अधिक कमाने वाले लोगों की कमी नहीं। तो क्या आप भी लाख रुपया महीना कमाना चाहेंगे, या आप परीक्षा कुमारी की तरह सस्ते से सस्ता सामान खरीदकर अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहेंगे? इस उदाहरण से ये प्रमाणित होता है कि जिस तरह का आप खर्च करते हैं, ऊपर वाला आपको वैसा ही बना देता है। आपकी आमदनी को भी ऊपर वाले ने छोटा कर दिया, क्योंकि जब आप छोटे से ख़राब चीज़ों से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो ऊपर वाला तथास्तु कह देता है कि ठीक है, जब तुम ख़राब से ख़राब चीज़ों से ही काम चला लेते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हें अधिक पैसों की आवश्यकता नहीं, तुम ऐसे ही रहो। लेकिन जब आप महंगी से महंगी चीज़ों को उठाना चाहते हैं, हिम्मत करते हैं, तो ऊपर वाला मजबूरन आपको उसकी कीमत देता है, आपकी आमदनी ही बढ़ा देता है। तो साथियों, आप सबसे अब चुनाव करने का वक्त आ गया है कि आप सस्ती ज़िंदगी जीना चाहेंगे या खुशहाल जीवन। चुनाव आपके हाथ है। अगर आप प्रतिष्ठा कुमारी की तरह धन दौलत से संपन्न होना चाहते हैं तो वेस्टीज से जुड़िए, और जुड़ने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 7488020303। धन्यवाद। दोस्तों, एक दिलचस्प कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी है दो महिलाओं की। एक महिला